चरण धोई चरणा मदन कर चरण धोई चरणा मदन सिंहासन बैठाऊ आज मेरे साहिब को कर लाऊ दास विन वे कर चोरी भक्ति दान वर पाऊ ये धर्म दास विन वे कर चोरी भक्ति दान वर पाऊ साहिब कबीर समिले गुरु सामरत साहिब कबीर समिले गुरु सामरत सुख सागर में नाऊ आज मेरे साहिब को कर ला सर्वे संत महात्मा संत मिलन को चालिए तज ममता अभिमान ज्यो ज्यो पग आगे धरे त्यों त्यों यज्ञ समान संत मिले इतना टले काल जाल जम चोट शीस निवाया गिर पड़े लग पापारी कोट शीस निवाया गिर पड़े लग पापारी पोट
चरणा मदलिया पुरवे पाप गणे रे कबीर साहिब की बोरिया बाबा की दादा श्री भोला राम जी महाराज की श्री गंभीर राम जी महाराज की श्री बस्ती राम जी महाराज की श्री लादा राम जी बासा की अनंत कोटि संत महात्मा की विश्व वंदनीय संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब दाता श्री भोला राम जी महाराज के श्री चरणों में कोट से वंदन करते हुए आज बड़ा ही सुंदर अवसर कि भाई भानाराम जी और उनके सुपुत्र भाई भंवरलाल जी भाई जीतू आज पूर्णिमा उद्यापन के अवसर पर आप और हम सब लोगों को इनके परम पुरुषार्थ से संत वाणी श्रवण करने का दिव्य लाभ मिल रहा है। महापुरुषों की कृपा महापुरुषों का आशीर्वाद और उनकी परम तप्ता हम सब लोगों को निरंतर मिलती रहे ऐसा जिनका सुंदर भाव है। आज देखो इस ढाणी में कितना सुंदर आयोजन की एक रूपरेखा तय की गई है। इधर में बैनर लगे हुए हैं इधर सब तरफ और कहीं स्टेज गौणियार बातें हैं मोरा में देख आई ले मोर जड़ी जाए तो देख लो कितो सुंदर एक भाव प्रकट करियो और कहे जंगल में मंगल करने वाली बात। और जो जंगल में मंगल कैसे होता है आज देख लो यहाँ पर ये जो स्टेज का शो हो रहा है ये तो कई बड़े बड़े शहरों में नगर में बस्तियों में लेकिन आज जिनको बड़ा सुंदर ऐसा करने का स्वभाव है भानाराम जी के पुत्र भाई भंवरलाल जी जिनको आपा लोग हमेशा देखा आप कोई न कोई रचना रे द्वारा कोई न कोई गीत रे द्वारा चाहे वो किन्नी किन्नी लोक देवी देवता हो चाहे भूरी बाबा हो देवरी धाम हो भोला राम जी महाराज हो बाबू साहब गुलाराम जी हो और अपने क्षेत्र के जितने भी बड़े बड़े संत महापुरुष समाज और शिक्षाविद हुए हैं यहाँ सबरे प्रति आप सुंदर एक लेखनी रे द्वारा जिको कार्य करियो वो हजारों हजार लोगों ने भी लाभ मिलियो। आज देखो मैं तो कदी कदी मन में विचार करूं कि भगवान यारे मन में किकर उपजावे कि जिकी आप कल्पना नहीं करा बे आप लेखनी रे द्वारा लिखे पर सब ने मेरी बड़ी जानकारी मिले भाई आज आप सब लोगों ने जिको लाभ मिल रही है निश्चित ही संत महापुरुषों की बड़ी विशेष कृपा है और इन कृपा का लाभ अनवरत अपन सब लोगों को मिलता रहे। आज पूर्णिमा का ये विशेष पर्व बहुत जगह आज सत्संगों को जाना बहुत जगह सत्संगों का है और आज तो देखो अपने बीच में मैं श्री कल्याणदास जी महाराज पूज्य श्री चैनदास जी महाराज विराजित है और आज के दिन जो अपने रथकुड़िया के अंदर में रामद्वारा है आसाराम जी बाप जी का वहाँ पर पूज्य मैन श्री कल्याणदास जी महाराज के कठिन परिश्रम से 10 दिवसीय सत्संग का आगाज भी आज होगा जो निरंतर 12 बजे से 4 बजे तक जो है संत महापुरुषों की दिव्य वाणी श्रवण करने का लाभ मिलेगा। भोला राम जी महाराज के अनन्य शिष्य रहे संत श्री आसाराम जी महाराज जिन्हारे 49वीं बरसी है और 49वीं बरसी लेन आगे 50वीं बरसी तक कल्याणदास जी महाराज रो सुंदर भाव हुयो कि निरंतर सत्संग है
पाठ है, चतुर्मास है, पर्यावरण संरक्षण वास्ते वृक्षारोपण है, गो सेवा आदि है। और अगली जो कथा है वो भी पूज्य श्रद्धेय आसाराम जी महाराज को समर्पित कथा रहेगी, ऐसा जिनका सुंदर भाव है। तो हमारे पूज्य कल्याणदास जी महाराज भी यहाँ पर विराजित है। तो आप सब लोगों ने निवेदन, जिनको जहाँ से समय मिले निश्चित रूप से ऐसे संत महापुरुषों का जो 10 दिन के जो दिव्य सत्संग का आयोजन है उनका भी रसपान करें। और आज बहुत जगह सत्संग के लिए जाना भी है, लोग इंतजार भी कर रहे हैं, तो वहाँ भी जाना है। तो आप सब लोगों के बीच में आने का अवसर मिला और इस परिवार के अंदर में आना अपने आप में बहुत बड़ा अपने सब लोगों के लिए अहमियत रखता है कि बोलाराम जी महाराज की कृपा इस डाणी के ऊपर में बहुत विशेष कृपा है कि बाप जी महाराज का हमेशा इस डाणी में आना और जाना रहा है। तो आज आप और हम सब लोग भी यहाँ पर उपस्थित हुए, अपने को संतवाणी श्रवण करने का लाभ मिल रहा है। निश्चित भी आज का समय अपने लिए परमात्मा की कृपा से बहुत ही बड़ा हम सब लोगों के लिए लाभ देने वाला है। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। अब दो पद पूज्य श्रद्धेय कल्याणदास जी महाराज फरमाएंगे और उसके बाद में जो है यहाँ बहुत बड़े बड़े कलाकार लोग आए हुए हैं, उनके मुखारविंद से आप सब लोग सत्संग का लाभ लीजिए। देखो वो कलाकार भी हम सब लोगों के लिए बड़े ही प्रेरणा स्रोत है। क्यों है कि उनका एक कार्य हो गया, उस कार्य को इन्होंने वाणी के रूप में आप और हम सब लोगों के बीच में रख रहे हैं, संत वाणी के रूप में। तो ये भी एक बहुत बड़ा सौभाग्य है आप और हम सब लोगों का कि हर उस व्यक्ति को आप आगे बढ़ाने का काम की जो संत वाणी को साथ में लेके चल रहा है। तो उन कलाकारों के लिए भी बहुत बहुत सुंदर सद्भाव। बोलो सदगुरु कबीर साहिब की, अनंत कोट संत महात्माओं की जय। सद साहिब।